मैं एक मतलब ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा वो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि टेबल ऑफ नाइन की ट्रिक्स कौन कौन सी हैं, यानी कि नौ का पहाड़ा याद करने की आसान तरीके। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले एक अपना वाक्य सुना पा रही हूँ। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तो एक बच्चे से मैंने पूछा, उसका पेपर था, इम्तहान थे उसके, मैथ का था पेपर, उसका टेबल ऑफ नाइन था। टेबल ऑफ नाइन जिस टाइम मैंने कहा कि बेटा मुझे टेबल ऑफ नाइन सुनाओ, तो कहता है आप ही, मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। मैंने कहा ओके, आप मुझे लिख के दिखा दो। उसने मुझे तीन सेकेंड्स के अंदर मुझे वो टेबल लिख के दिखा दिया, और मैं शॉक कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बच्चा इतनी जल्दी पेपर के दौरान, या आपके पास कोई बुक भी नहीं पढ़ी हुई है, ना कोई टेबल पढ़े हुए हैं, आपके सामने पहाड़े लिखे हुए हैं, और आपने मुझे 3 सेकंड्स के अंदर वो लिख के भी दिखा दिया। वाओ, मैं शॉक हो गई। मैंने उसे पूछा कि आपने ये कैसे कर लिया, ये कैसे आपने इतना सब कुछ कर लिया, इतनी जल्दी कर लिया, इतनी जल्दी तो मैं नहीं कर सकती। तो आगे से उसने मुझे बोला कि आप ही, सिर्फ मैंने ये आर्टिकल को प्लान कर लिया। देखिए, उसने एक मरतबा सीधी उसमें लिखी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और दूसरी मरतबा उल्टी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये वाली ट्रिक बताऊंगी कि एक मरतबा सीधा लिखे और एक मरतबा उल्टा लिख दें तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ये वाला आंसर भी, ये वाला टेबल, इस टेबल की ट्रिक में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका आंसर गलत है, ये 100% ट्रू है, ये 100% सही है। इससे आपका जो टेबल के आंसर्स होंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, बिल्कुल दुरुस्त आएंगे। लेकिन ये ट्रिक आपको सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा दे रही है, आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा नहीं देगी, सिर्फ आपको ये इम्तहान पास कराएंगी और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आप किसी वेजिटेबल शॉप पर जाएंगे, कोई आपने काउंटिंग का काउंट करना होगा कि मैंने कितने को शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, तो आपको नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि टेबल्स ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी ज़िंदगी हमारे काम आती है, पूरी ज़िंदगी हमारी हेल्प करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप याद कैसे करें, टेबल्स को इजी वे में याद कैसे करें, क्योंकि ये मेजोरिटी बच्चों का मसला है, ये इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, या अब मैं बोल रही हूँ तो आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, नहीं, मैं उन सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो जिस टाइम बैठे देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारे माशरे और हमारे बच्चों में ये एक कमज़ोरी है कि उन्हें टेबल्स से क्लास याद नहीं होते। तो आज हमें आपको ये ट्रिक एक्सपोज करनी है। तो अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपने ट्रिक को शुरू कर देते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि मैं आपको अब नाइन के लेवल की ट्रिक बताऊंगी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखा हुआ है। क्यों? कि मैंने आपसे बताया है कि इतने अच्छे तो टेबल हमें नहीं आते जितना अच्छा उस बच्चे ने हमें टेबल बता दिए, ठीक है। तो आपको मैं बताती चलूँ, जो ये ट्रिक है ये ऐसी ट्रिक है कि मुझे टेबल्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे पास कुछ इतने बड़े बड़े नंबर्स के टेबल आ जाते हैं, जितना 18 के टेबल हमें लिखना पड़ता है, 18 का फाड़ा लिखना पड़ता है। अगर आप क्लास 5 में हैं, या आप किसी छोटे ग्रेड पर हैं, यानी कि क्लास 1-2 में हैं, और आपको इंशाल्लाह जब आप क्लास 5 में जाएंगे तो आपको 20 तक टेबल याद करने पड़ेंगे, क्या आप याद कर सकते हैं? तो यही मुश्किल है ना, तो वो मैं आज इसी टेबल के अंदर आपकी दूर कर दूंगी। देखिए, इसकी मिसाल इस तरह से है कि ये देखिए, ये मेरी फिंगर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास 10 फिंगर्स हैं, देख लीजिए, और से देखिए। अब जब मैं कहूँगी कि मैंने 9 2s are, क्या 9 2s are, 9 multiplied by 2 क्या कितने होंगे, तो मैं अपने फिंगर्स के थ्रू ही बताऊँगी वो किस तरह से
देखिए ये राइट हैंड है मेरा और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब मैं लेफ्ट हैंड से टू काउंट करूंगी उल्टी साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से वन टू। ये देखिए ये कट्टी वाली उंगली से लेग से शुरू करूंगी वन और टू, ये इसको मैं यू बंद कर दूंगी और फिर मैं राइट हैंड से गिनना शुरू करूंगी, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट हो गया और ये मैंने बंद करी हुई थी और ये वन। क्या बना अब हमारा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा आंसर 18 ही आएगा। देखिए इसको मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यही था हमारा क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या किया था, ये फिंगर्स थी मेरी, मैंने लेफ्ट हैंड से शुरू किया था, देखिए ये बंद कर दी थी मैंने तो ये वन हो गया, तो ये वन यहां पर लिखूंगी वन और फिर यहां से काउंट करूंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके देखिए और से दोबारा से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और फिर ये एट, यहां पर क्या बन जाते हैं हमारे एट। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये वाली उंगली मैंने, ये वाला नंबर मैंने इसमें से काउंट किया क्योंकि हमने इसको ये बंद कर दिया था, मतलब ये कुछ खत्म फिनिश। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी एट। अब इसी तरह से ताकि आपको मेरी ये वीडियो आपको ये ना कहें कि ये सब कुछ प्री प्लान था, ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत था, ये सब आपको ट्रिक आपने थी नहीं, आपने याद करे हुए थे, इसी वजह से मैं आपको थोड़े से और टेबल्स बताती हूँ, इसी के और पहाड़े भी बताती हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 3 लेफ्ट हैंड से हमने काउंट करना था, 3 यहां पर आता है, इसको बंद कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 6 और ये 2 27, वो कैसे 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये 7 और 3, ठीक है। अब इसी तरह से जब मैं 9 4 जार करूंगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 ये वाली उंगली मैं बंद करने जा रही हूँ, आपके थंब के साथ वाली उंगली है ये, और राइट हैंड से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 36 आता है। इसी तरह से जब मैं 9 5 बार करूंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 बंद कर दिया मैंने, 5 वाली उंगली बंद कर दी, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 तो क्या होगा 45। ये देखिए इस तरह से करते करते हम सारे टेबल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की फैंटास्टिक किस्म की ट्रिक। स्टूडेंट्स ये ट्रिक बताने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको मैं चाहती थी कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, आप तक ये असाइनमेंट से ट्रिक पहुंच सके, वरना हमारा काम है आपको इल्म फराहम करना और आपका काम है दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी ये वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे को पता हो ये आसान से आसान ट्रिक। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं जाना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी ट्रिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, फैंटास्टिक किस्म की समझ आई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तो इतनी देर के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।